डीएम और डीसी की प्रशासनिक सीमाएं अलग हैं, एक ही है, तीन नाम चलते हैं, एक है कलेक्टर, जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है कलेक्टर, बिहार में डीएम, हरियाणा झारखंड में डीसी, तीनों की पावर सेम है। असल में पहले जो डीएम था उसके तीन काम थे। पहला काम उसका क्या था कि वो कलेक्टर था, कलेक्टर का मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, जो लैंड रेवेन्यू उसका कलेक्शन करता था, तो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करने की वजह से कलेक्टर हो गया। साथ में वो मजिस्ट्रेट भी था। मजिस्ट्रेट वो जज होता है जिसके पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पावर्स होती है। तो क्योंकि वो मजिस्ट्रेट भी होता था, आजकल जो डीएम है नाम नाम का डीएम है, मजिस्ट्रेट है नहीं वो, उसके पास कोई मजिस्ट्रेट की पावर नहीं है। मजिस्ट्रेट का मतलब जो क्रिमिनल केस में डिसीजन दे सके, किसी को पनिशमेंट दे सके। आज के समय में कोई आईएएस ऐसी पावर नहीं रखता है, पहले थी तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते थे। और तीसरा काम उसका क्या था कि जब दो या तीन जिलों का जो हेड होता था उसका नाम था कमिश्नर, तो कमिश्नर का डेप्यूटी वो होता था, तो डेप्यूटी कमिश्नर या डीसी। तो डीसी कलेक्टर डीएम सबकी पावर सेम है। आजकल किसी को डीएम कहना मतलब हंसी मजाक की बात है, क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रेट वाली पावर तो बची नहीं है, लेकिन हाँ नाम चढ़ा रहा है। तो बस इस रूप में समझें इसको, बात एक ही है।